अच्छे दिनों की शुरुआत तो जरूर हो गई है। नए टैक्सेस जो नए इन्होंने रिफॉर्म्स लाए हैं, काफी डिफेंस के लिए भी एक अच्छा बजट रखा है कि हम, जैसा कि उन्होंने मंत्री जी ने कहा कि डिफेंस के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम अपनी तरफ से अपने आप को सिक्योर तो मान सकते हैं कि कल से हमारे पास कोई विपदा आएगी तो हमारे लिए इतना फंडिंग तो गवर्नमेंट ने रखी है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको रिजॉल्व कर सकेंगे। टैक्सेस के लिए हम टैक्सेस थोड़े और रिबेट चाह रहे थे कि थोड़ा सा और इसमें रिबेट मिलता। हाँ, जितना मिला है थोड़ा लेवल बढ़ा है, काफ़ी अच्छा किया है, बट सर्विस टैक्सेस हैं जैसे ये, इन चीज़ों को कोई रिबेट नहीं मिली। कस्टम ड्यूटी में इन्होंने जो टीवीओ को कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया है, बट ये जो 19 इंच की टीवी है, 19 इंच से इनको ज़्यादा रखना चाहिए था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ कर सकें। 19 इंच की टीवी आज कोई भी घर में नहीं लगाता है, तो ये अगर डेवलप करना था, टूरिज्म को डेवलप करते, ये बहुत अच्छा होता हमारे लिए। बेसिकली इन टैक्सेस जो हमारे ATF जो है उस पर उन्होंने कुछ रिबेट नहीं दी, उसके लिए थोड़ा सा दुख है कि हाँ इस पर रिबेट मिलती तो हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री थोड़ी और बूम करती। बाकी टैक्सेस के मामले में बाकी जो भी इन्होंने दिया है उनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है। मैं 10 में से इसके इस बजट को बेसिकली 7 रेटिंग तक दे सकता हूँ। बजट अपन सही मायने में देखा जाए तो अभी तक तो मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं बजट के। कई महीनों में बजट काफ़ी फायदेमंद रहा है, कई महीनों में थोड़ा बहुत नुकसान दे रहा है। अभी देखा जाए तो जैसे अपन एजुकेशन के उससे देखा जाए तो काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज IIM IITs इंडिया के ऑल ओवर उसमें कर रहे हैं, तो एजुकेशन फैक्टर को तो फ़ायदा है उससे। बाकी अपन देखा जाए जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स हैं ये सब, उसमें अपन ने अगर बजट का ध्यान दें तो उसमें बढ़ावा हुआ है, जो कि मतलब सही मायनों में देखा जाए तो एक अच्छी दिशा ही है जिस हिसाब से बजट का वो अभी तक आया है। और बाकी इससे कुछ खास फ़ायदा तो नहीं हुआ है, ये एक चीज़ है जिस मायने में अपन वो कर सकते हैं कि बजट को एक थोड़ा हल्का सा ड्रॉबैक आया है। बट अभी जैसे अपन देख सकते हैं कि जो मोदी सरकार का एजेंडा है वो है धीरे धीरे इस चीज़ को ऊपर लाएंगे, तो जो गड्ढे खोदे गए हैं उसको अब भरना है, तो धीरे धीरे ही भर सकेंगे। तो एक ये स्टार्ट लिया जो है, मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव माइनों में सही उस पर जा रहा है। एक मेरे को टैक्स का लगा था कि टैक्स पे छूट मिलेगी, बाकी फूड और इसका अभी तक तो एज ऑफ ना कोई ज़्यादा डिटेल्स आई नहीं है अपने इसमें। एजुकेशन का था और डेवलपमेंट के हिसाब से, बट उसमें भी काफ़ी सही मायनों में अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है। इंदौर के हिसाब से अगर आप नॉर्मल एक आदमी के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत मतलब अच्छा बजट है, इतना मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बजट है। मतलब अगर आप जो ATCD के लिमिट बोले या होम लोन का लिमिट बोले या एक इनकम टैक्स का बोले, तीनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब चूँकि हम लोग ट्रैवल फील्ड से हैं, ट्रैवल फील्ड के लिए वो और ज़्यादा कुछ कर सकते थे, जैसे इंदौर डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं बोला। एयरपोर्ट्स में भी उन्होंने सिर्फ दो ही एयरपोर्ट का बोला कि उनको डेवलप किया जाए, इंदौर के डेवलपमेंट के लिए एयरपोर्ट के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। टूरिस्ट के लिए उन्होंने 3000 करोड़ का जो भी उन्होंने वो रखा है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने 3000 करोड़ जो अप्रूव किए हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। पर नॉर्मली अगर टूरिज्म के हिसाब से बोले या ट्रैवल इंडस्ट्री के हिसाब से बोले तो उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था कि इंदौर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बोला जाए या कुछ भी जो करा जाए वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बाकी एज अ कस्टमर एज अ इंडिविजुअल उनका बजट काफ़ी अच्छा था, लोगों को इससे काफ़ी जो इनकम टैक्स पे हैं, जो जो सीनियर सिटीजन हैं, जो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बजट था।